अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, सैयद अहमद पाशा खादी साहब की पर्सनल नुमाइंदगी पे मुगलपुरा कॉर्पोरेट डिवीज़न के लिए 300 माइग्रेंट्स का पैकेज आया है, जिसमें एक आदमी को 12 किलो चावल और 500 रुपये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट के ना होते हुए दूसरे स्टेट के जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता के लोग हैं, उनको पहली किस्त में एक 10 दिन पहले मुगलपुरा प्लेग्राउंड में दिया गया था। कल झूलों के चमन में डिस्ट्रीब्यूशन का अमल में आया था। आज जो है सुल्तानशाही में माइग्रेंट्स के लिए पर हेड 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद जो है इन लोगों में तकसीम किया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA ने की और इसका इनाग्रेशन मतलब इसकी इफ्तिताह दफारी में जनाब मुमताज़ खान साहब मौजूद थे। मेरे साथ बहादुरपुरा मंडल के तहसीलदार साहब मौजूद हैं। जब तक कि ये प्रोग्राम ख़त्म होगा MRO साहब रहेंगे और मैं भी यहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। फिर से जब भी हुकूमत की तरफ से कोई स्कीम आएगी तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों के लिए और माइग्रेंट लोगों के लिए भी हम नुमाइंदगी करके स्कीम लेकर आएंगे। मेरी आपके चैनल के थ्रू जो भी सुपीरियर अहदेदार हैं ख़ासतौर पे सिविल सप्लाईज़ के, उनसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, अदबन रिक्वेस्ट ये है कि सर जो लोग माइग्रेंट हैं उनको हम लोग दे रहे, जिसके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है हम उनको दे रहे। सर आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ख़ासतौर पे पुराने शहर में एक ऐसा तबका है सर, 50-60% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है जो ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं 4 साल पहले, और उसमें से सर 80% लोगों का इंक्वायरी वगैरह भी मुकम्मल हो चुका है। सर रमज़ान का महीना, मुक़दस महीना आने वाला है, सब मुसलमान रोज़े रहते हैं। आप सबसे मेरे असद साहब के थ्रू KTR साहब से या सिविल सप्लाई मिनिस्टर्स जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुस्तहिक हैं सर बग़ैर राशन कार्ड के और जो माइग्रेंट नहीं हैं उनके बीच में भी कुछ ऐसी स्कीम लाइए सर, जिससे वो लोग भी इस चीज़ से इस्तेफादा कर